अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो प्रेन? प्रेन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेली मोशन के वीडियो को टैग किस तरह लगाते हैं। तो प्रेन, बहुत से बंदों ने मुझे कमेंट किया है कि जब हम अपने डेली मोशन में वीडियो अपलोड करते हैं तो हम उधर कोशिश करते हैं कि हम अपने वीडियो में टैग लगाएं, कीवर्ड लगाएं, तो हम कोशिश करते हैं उधर टैग नहीं लग रहे हैं। जब हम चार पांच टैग लगाते हैं तो फिर हम बाद में देखते हैं कि हमारा टैग उधर सेव नहीं हो रहा है। तो इसका इशू क्या है? तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको अपने डेली मोशन के वीडियो में टैग किस तरह ऐड करते हैं। जिस तरह आप यूट्यूब में ऐड करते हो उस तरह आप डेली मोशन में ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब का और मेथड है, डेली मोशन का और मेथड है। बहुत से बंदों ने मुझे कमेंट किया है क्योंकि उससे नहीं हो रहा है कि टैग किस तरह ऐड करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने यह ट्रिक शेयर करूं। बहुत से बंदे हैं कि उनको नहीं आता है डेली मोशन के वीडियो में टैग किस तरह ऐड करते हैं। तो फिर उन बंदों ने मुझे ठीक कहा है, वाकई डेली मोशन के वीडियो में टैग लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले मैं इस तरह कोशिश कर रहा था, मुझसे नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक ट्रिक को यूज़ किया तो फिर वो टैग लगना शुरू हो गया। तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखो, डिटेल के साथ देखो, क्योंकि मेन चीज़ यही टैग है। जब आप अपने वीडियो में टैग नहीं डालते हो तो आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, चाहे आपका डेली मोशन का चैनल हो, चाहे आपका यूट्यूब का चैनल हो, चाहे आपका वेबसाइट हो। ये टैग इम्पोर्टेंट है प्रेन। जब आप टैग डालते हो तो आपका वीडियो रैंक करेगा। तो प्रेन, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आपको टैग किस तरह डालना है। तो प्रेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्रेन, सबसे पहले आपको अपना डेली मोशन का चैनल इधर से ओपन करना है। जब आपने अपना डेली मोशन का चैनल ओपन की तो आपको ये एडिट चैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको इस सेटिंग के ऑप्शन में आना है, फिर आपको ये दूसरे ऑप्शन में फिर क्लिक करना है, आपका चैनल का सेटिंग ओपन हो जाएगा। फिर जब आप उस एडिट चैनल के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर आपको इधर साइड बार में आना है। आपको ये मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस मीडिया के ऑप्शन में फिर क्लिक करना है। जब आप इस मीडिया के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपको अपना इधर से एक वीडियो सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको ये तीन डॉट नज़र आ रहा है, आपको इस तीन डॉट में फिर क्लिक करना है। जब आप इस तीन डॉट में क्लिक करते हो तो फिर आपको इस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर जब आप इस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर मैंने इधर टैग नहीं डाला है, तो मैंने पहले डाला था तो फिर मैंने रिमूव किया है, कि मैं आपको बताता हूँ कि इधर टैग किस तरह डालते हैं। तो जब आप टाइटल डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, तो फिर टैग का बारी आ जाता है, तो आप टैग ऐड करते हो लेकिन वो ऐड नहीं होता है। तो इसका क्या इश्यू है? ये बहुत छोटा सा ट्रिक है फिर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा बटन लगाना है, वो टैग इधर ऐड हो जाएगा। तो मैं ये टाइटल इधर से कॉपी करके इधर आके पेस्ट करता हूँ प्रेन। इसको मैं इधर से कॉपी करके इस टैग लाइन में मैं आके पेस्ट करता हूँ। तो प्रेन, मैंने इसको इधर पेस्ट किया टैग लाइन में, तो आप देख रहे हो ये टैग इधर सेव नहीं हो गया। क्यों सेव नहीं हो गया? जब आप YouTube के टैग लाइन में जाते हो, आप टैग को ऐड करते हो, वो डायरेक्ट टैग नमूना बन जाता है, वो इधर से सेव हो जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं कि वाकई ये टैग ऐड हो गया। तो मैंने इसको इधर ऐड किया तो ये टैग ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो फिर मैं ये दूसरे कीवर्ड को इधर से कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट करता हूँ, शायद वो टैग का नमूना बन जाए, लेकिन नहीं बन जाएगा। मैं इसको इधर से ऐड करता हूँ, इधर देखो ये ऑप्शन इधर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टैग ये फिक्स नहीं है। आपको इधर क्या करना है कि ये फिक्स होगा? तो फिर मैं आपको वो वही मेथड बताता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक के। बहुत से बंदे वो ट्रिक को नहीं जानते हैं कि इधर हमको क्या यूज़ करना है टैग
टैग ये किस तरह सेव हो जाएगा, किस तरह इसका नमूना बन जाएगा कि हमको यकीन हो जाए कि ये टैग बन गया है और ये टैग सेव हो गया। तो फिर आपको अपने कीबोर्ड में जो वो कोमा का बटन है, कोमा लिखा हुआ है आपके कीबोर्ड में, एक कोमा का बटन है, आपको उस कोमा के बटन में फिर क्लिक करना है। मैं उस कोमे के बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि इधर सेव हो जाएगा। मैं इसको दबाता हूँ, आप देखो कि इधर सेव हो जाएगा। तो फिर देखो मैंने कोमा को दबा दिया, ये टैग इधर से ब्लू हो गया और ये सेव हो गया। तो फिर मैं इस दूसरे टाइटल को इधर से कॉपी करके इधर आके पेस्ट करता हूँ तो आप देखो ये इधर से सेव नहीं हो गया। क्यों सेव नहीं हो गया? क्योंकि आपको कोमा दबाना है। जब आप कोमा को नहीं दबाते हो आपका टैग लाइन सेव नहीं होगा। मैं फिर कोमा को इधर से दबाता हूँ तो आप देखो ये दूसरा टैग इधर से सेव हो गया। तो फ्रेंड इसका तरीका कार यही है। बहुत से बंदे परेशान थे, टेंशन में थे कि डेली मोशन के वीडियो में टैग हेड नहीं होता है। हमने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो बहुत से बंदों ने मुझे कमेंट किया है कि इसके बारे में लाजमी वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि बहुत से बंदे प्रॉब्लम में हैं तो उनका कुछ हेल्प करना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बना दिया। तो फ्रेंड आप सिर्फ उस कोमा को यूज़ करो, आपके वीडियो का टैग ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड ये बहुत इजी मेथड है, बहुत से बंदों को इश्यू आ रहा था इसी छोटे ट्रिक की वजह से। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करो। और डेली मोशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाया है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है उन वीडियो को डिटेल के साथ देखो, एक एक करके देखो, आपके समझ में मुकम्मल आ जाएगा कि डेली मोशन का चैनल किस तरह क्रिएट करते हैं और इसका अकाउंट किस तरह सेटिंग करते हैं, किस तरह वीडियो अपलोड करते हैं और उसके अर्निंग मेथड को सेटिंग करते हैं और किस तरह उसके एनालाइट्स को देखते हैं। मैंने बहुत से वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ।